आज तक आपने सुना होगा कि हिमाचल के भोले भाले लोग ही ऑनलाइन ठगी का शिकार होकर अपनी लाखों की पूंजी को गवा चुके हैं, लेकिन इस बार कोई नागरिक नहीं बल्कि सोलन का जाना माना राष्ट्रीयकृत बैंक ही ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। बैंक द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर शातिर ठग को पकड़ने का आग्रह किया गया है। आए दिन बैंक के अधिकारी लोगों को आग्रह करते आए हैं कि आप सचेत रहें, आपके साथ ठगी हो सकती है। अब इस बार शातिर ठग ने सतर्क करने वालों को ही अपने जाल में फंसाकर करीबन 13 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया है। ये जानकारी ASP सोलन अशोक वर्मा ने मीडिया को दी है। अशोक वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन के राष्ट्रीयकृत बैंक के मैनेजर को सोलन के जाने माने व्यवसायी के नाम से फोन किया गया, जिसमें एक अकाउंट नंबर पर 12,76,000 रुपए ट्रांसफर करने की बात कही। फोन के ट्रू कॉलर पर भी व्यवसायी का नाम आ रहा था। वहीं बैंक मैनेजर ने उन्हें ईमेल करने को कहा तो उस शातिर ठग ने मैनेजर को ईमेल भी कर दिया। इस मेल की आईडी भी व्यवसायी की आईडी की तरह थी। बस मैनेजर शातिर ठग के जाल में फंस गया और सारी रकम भी ट्रांसफर कर दी। ASP ने बताया कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब व्यवसायी ने बैंक से इस लेन देन पर एतराज जताया। तब बैंक मैनेजर को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो चुका है, जिसकी जानकारी उनके द्वारा पुलिस को दी गई। उनकी शिकायत के आधार पर अब कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। एक नेशनलाइज्ड बैंक में सोलन में एक व्यक्ति ने कॉल किया कि मैं किसी फर्म का MD बोल रहा हूँ और मैंने कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना है, तो आप वो पैसा ट्रांसफर कर दें। तो क्योंकि वो रिप्यूटेड फर्म का उसने नाम लिया, तो इस करके जो बैंक मैनेजर थे उन्होंने उनके कहने पे और ईमेल प्राप्त होने पे उसमें से करीब 12,74,000 जो रुपया है वो ट्रांसफ़र कर दिया। और शाम को जब दोबारा कंपनी वालों को फ़ोन आया कि हमने तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी, आपने पैसा क्यों ट्रांसफ़र किया, तब ये पता चला कि जो उनको जो है बैंक को चीट किया, किसने फ्रॉडुलेंटली जो है पैसा ट्रांसफ़र करा दिया है, तो जिस पे बैंक ने शिकायत की है और इसका इसमें हमने मामला दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस फ़ोन नंबर से कॉल आई थी और कौन सा इसमें सिस्टम इन्होंने वो यूज़ किया है, इंटरनेट कनेक्शन कहाँ का था, तो हम उन तक पहुँचेंगे। उन्होंने जो है वो एक कंपनी से मिलती जुलती जो फेक आईडी तैयार की थी उसमें कुछ वर्ड्स का आगे पीछे हैं, तो उन्होंने उस मेल को यूज़ किया है। मेरा यही सबसे अनुरोध है लोगों से कि अपील है कि कोई भी बैंक जो है आपसे आपका OTP नहीं मांगता, ना तो आपको KYC करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता है, और कभी कोई भी ऐसा लिंक ना खोलें जिसके लिए आपसे रिक्वेस्ट किया हुआ है। बैंक भी बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी KYC के लिए आप लिंक ना खोलें। लोग लिंक खोल देते हैं और लिंक खोलने के बाद जो है वो डिटेल उसमें वो भर देते हैं, डिटेल भरने के बाद जो उनके खाते से पैसे जो है कट जाते हैं। तो कोई भी जो है इन अफवाहों पर ना आए और इस चक्कर में कि आपको इनाम मिल रहा है या पैसे आपके बढ़ जाएंगे, तो ऐसी ढंग की जो भी मेल्स आते हैं उनको इग्नोर करें, और अगर कोई भी बैंक से संबंधित कोई भी कार्य है तो स्वयं बैंक में जाकर बैंक स्टाफ से बात। लाइफ टाइम्स TV के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स TV दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स TV पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।